वहाँ तक हम चढ़ेंगे। अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, हम दोनों थक गए। वेलकम बैक, मैं आया बैठा मैं अजहर की नई गाड़ी में, जो कि हम पहली बार जा रहे हैं इसमें कहीं ट्रिप पे। तो वेलकम अजहर, बहुत टाइम के बाद हम भी मिल रहे हैं और व्लॉग भी बना रहे हैं एक साथ। तो पहले भी मैंने कहा आपको कि हम जा रहे हैं आज गुलमर्ग। मौसम तो वैसे बहुत अच्छा भी नहीं है, देखो क्लाउडी वेदर है इस टाइम। सो इन्फॉर्मेशन आई है अजहर को कि वहाँ स्नोफॉल हो रही है। स्नोफॉल हो रही है वहाँ, हल्की सी स्नोफॉल तो हो रही है। हम तो वैसे पता ही है आपको, हम जाते रहते हैं गुलमर्ग, लेकिन आज बहुत टाइम के बाद जा रहे हैं। लेकिन अब मिलेंगे हम आपसे गुलमर्ग में, नहीं पहले टांगमर में चाय वाय पीनी है वहाँ, या वहाँ से आके हम डायरेक्ट गुलमर्ग ही जाएंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में। सो गाइस, पहुंच गए हम गुलमर्ग। चलो निकलते हैं बाहर, दिखाता मैं आपको यहाँ का नजारा। यहाँ तो कुछ गिर ही नहीं रहा है, न बारिश न बर्फ देखो, लेकिन वेदर क्लाउडी है, काले बादल है, ऊपर गिर रही है बारिश, लेकिन हम देखेंगे चलेंगे वहाँ तक। आज हम बारिश ढूंढ के रहेंगे, ऊपर तक जाएंगे हम आज चल के। आज हम बारिश ढूंढ के रहेंगे, आज छोड़ेंगे नहीं किसी को। बारिश ही इधर एक बारिश है, बर्फ, कोई एक चीज़ हमें ढूंढनी है आज। ऊपर चढ़ना है हमें, वहाँ जाएंगे हम, वहाँ जहाँ वो काले बादल है। लेकिन ठंड है यहाँ, 3-4 degrees होंगे ना देखो। लेकिन बर्फ के बगैर गुलमर्ग जचता नहीं है, बर्फ में ये अलग ही रुक देता है। A few moments later. देखो चल तो रहे हैं हम, लेकिन पता नहीं कहाँ तक चलना है और कहाँ पर हमें बर्फ मिलेगी। यहाँ तो है थोड़ी थोड़ी बर्फ देखो, लेकिन ठंड भी ज़्यादा। अब राइट से इसे भी जैकेट काट दे। ठंड बहुत है और हम थक गए, इसका तो पता नहीं, लेकिन मैं थक गया। मैं तो नहीं थका, इसका पता नहीं। खांसी भी है, जुकाम भी है, सब कुछ है। देखो किस रास्ते से हम जा रहे हैं आपके लिए, आपके लिए बर्फ ढूंढने। देखो कैसा रास्ता है, यहाँ से यहाँ तो पानी होता था ना, आज के पानी ख़त्म हो गए। मुझे लगता है हमें फेज़ वन तक पैदल ही जाना है, क्या बोलते हो अजहर? हम ऊपर पैदल ही जाएंगे। देखो ये है यहाँ से गंडोला, इसी रास्ते हम चढ़ेंगे ऊपर। हमें क्या है गंडोला का प्रॉब्लम, लिफ्ट कहाँ देगा, ये तेज चल रहा है इस वक्त, इसको फोन करना है फिर रुको हमारे लिए, हम लटक के जाएंगे। देखो हम लटक के जाएंगे, देखो ये खाली है, देखो बर्फ। इसी रास्ते से हमें ऊपर चढ़ना है। One eternity later. देखो भाई हम दोनों थक गए, पता नहीं क्यों। पिछली बार हम आए थे ऊपर तक चढ़े थे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। डर के आगे जीत है, आज हमारे पास माउंटेन ड्यू नहीं है वरना हम पीते। थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे, वो खाली है। कौन उसके बाद और ऊपर जाना है हमें। देखो यहाँ से जब तक हम बर्फ न ढूंढे, चलो चलते हैं। टाइम क्या आया, 6:30। यहाँ से मतलब कोई आएगा हमें जानवर वानवर है।
उसके साथ मुलाकात होगी। आज पता नहीं क्या हुआ, आज हम चढ़ ही नहीं पा रहे। पिछली बार हम बहुत आगे गए थे ना, तो आज हम इतना नहीं चढ़ पा रहे। अब कितना और ये वहाँ तक जाएंगे, फिलहाल देखेंगे फिर उसके नीचे क्या है। ओहो कुछ नहीं, ख़त्म, बस ये बैठने की जगह। हाँ अज़र क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, प्रोग्राम बढ़ गया? सबसे पहले आपने घबराना नहीं, फिर उसके बाद वापस नीचे चलो। क्या लग रहा है, चढ़ पाएंगे? फिर उतरना भी है। हाँ ये भी सोचना है, फिर उतरना भी है वापस। देखो वहां से आसमान साफ हो गया। कहाँ चढ़ना है और? ठीक है फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं। यूं तो हम यहाँ से बर्फ लेते थे नीचे घर, आज हमने ऊपर से धूप लाई, आज हमने नीचे से धूप लाई ऊपर। देखो यहाँ से भी साफ हो गया आसमान, देखो धूप निकली थोड़ी। अब पता नहीं क्या करेंगे हम, अभी थोड़ा और आगे चलते हैं। मिलेगा मत कुछ है ना, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से, देखो है ही नहीं कुछ, साफ है सारा। नीचे एंजॉय करें। हाँ कहाँ वापस, फिर क्या करेंगे वहाँ? लो भाई हार नहीं माननी है। एक बंदा अभी ऊपर से आया, उसने बोला ऊपर हल्की सी स्नोफॉल हो रही है। मीनवाइल हमारी स्नोफॉल देखो। चलो अभी और थोड़ा ऊपर चलेंगे, मिलेगा मत कुछ मसाला हमें, यहाँ सिर्फ यही मिला। चलो देखो ऐसे, देखो यार नीचे धूप गया है, इतना ऊपर आए हम। देखा 2000 years later. देखो कहाँ पहुंचे हम। चलो जी कहीं तो पहुंच गए हम, पता नहीं कहाँ। बस फेज बने यहाँ से नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है। देखो वो है वहां पर, क्या है वो पता नहीं, कुछ तो कुछ है। अब बोलने की हिम्मत भी नहीं रह गई। क्या देखो भाई, बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, हमारे लिए। देखो ये यहाँ के घर है छोटे छोटे। गंडोला में जब चले थे तब ऊपर से दिखते थे, लेकिन बर्फ में तब मुझे नहीं लगता है यहाँ पर रहते होंगे। आज पहली बार हम यहाँ से आए हैं। देखो छोटे छोटे किचन गार्डन्स भी बना के हैं यहाँ पर। देखो वो है फर्स्ट फेज, वो ऊपर देखो। अब इतना ऊपर तो नहीं चढ़ पाएंगे हम, कि हालत तो यहाँ आने तक ही टाइट हो गई। मैं तो चार्ज हो गया। कौन सा चार्ज हो जाओगे, ये तो यहाँ पर प्लेन है सारा, देखो इसलिए चार्ज हो गया। इसको पता नहीं ऊपर ऐसा सीधा रास्ता है, और ऊपर बर्फ भी अच्छी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे घर है ना, ये मुझे लगता है समर्स में यहीं पर रहते हैं। चलो देखते हैं अब कहाँ चढ़ूंगा मैं और ऊपर। हाँ टॉप पे, फिर टॉप से टॉप ही जाएंगे।
मैं वो बहुत ऊपर, अगर टाइम होता हमारे पास हम जाते। चार बजे, आधा घंटा तो लग गया हमें यहाँ। हम तो आए थे इधर बर्फ देखने, उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म हो? प्रोग्राम किधर जारी रहा? प्रोग्राम तो बढ़ गया। प्रोग्राम तो बढ़ गया। प्रोग्राम तो बढ़ गया। अब हम भी बढ़ जाते हैं। नीचे चलो। अब मैं जो आपको दिखा, अब हम उतर गए हैं नीचे, अभी थोड़ा सा है, देखो हम निकल रहे हैं और काले बादल आ गए। देखो निकलने के टाइम, अब तो यहाँ होगी बारिश, है ना? डायरेक्ट स्नोफॉल होगी अब। लेकिन अब हम जा रहे हैं, इसे हम नहीं जाएंगे, चाय पी के जाएंगे हम। लंच तो हमने कर लिया था, वो मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि धूप देख के मेरा मूड ऑफ हो गया था, हम दोनों का एक्चुअली। तो हमने लंच कर लिया, बोला चलो देखते आगे कुछ अगर मिलेगा मसाला व्लॉग बनाने के लिए तो बना दूंगा मैं, वरना मेरा तो पूरा मूड ऑफ हो गया था। लेकिन मज़ा आया, अच्छा पहली बार एडवेंचर, हमने इतना बड़ा एडवेंचर। हम गाड़ी में आते पीते निकल जाते थे, आज हम ऊपर तक गए। अब हमने रास्ता देख लिया है, नेक्स्ट टाइम हम डायरेक्ट ऊपर जाएंगे जब भी यहाँ पर स्नोफॉल होगी उस टाइम, तब आज हम वही करेंगे। लेकिन एक दो बंदों को और हम साथ लाएंगे, है ना? फिर उससे मज़ा आता है, जब एक दो बंदे साथ होते फिर पता नहीं चलता है कि रास्ता कब ख़त्म हो जाता है बातों बातों से। लेकिन उतरने में हमें उतना टाइम नहीं लगा, चढ़ने में तो हम हालत ख़राब हो गई हमारी, चढ़ने ऊपर चढ़ने से। इस टाइम तो है ही ये पानी, लेकिन 10-15 दिन के बाद ये पूरा फ्रीज हो गया होगा। हो गई? नहीं, कहाँ हो गई। पानी देखो कितना साफ है, साफ नहीं है मत, देखो ऊपर से आ रहा है पानी। क्या हो गई बारिश स्टार्ट? देखो भाई काले बादल क्या आ गए। मेरे व्लॉग ही बड़ा होने वाला है और मैं इसकी ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं करूँगा क्योंकि बहुत अच्छा बना है मेरे हिसाब से। आप भी कमेंट्स में बोलना कि कैसा बना है। अगली बार जब स्नोफॉल होगी तब हमें आना चाहिए यहाँ कि नहीं फिर, लेकिन कमेंट्स में ज़रूर बोलना कि हमें फिर से आना चाहिए यहाँ जब यहाँ पर बर्फ़ होगी 2-3 फीट और ऊपर से स्नोफॉल, सीन क्या होगा उस टाइम। लेकिन हम डेफिनेटली आएंगे, अगर आप बोलोगे भी नहीं हम आएंगे। ये अब सारा जावर के मूड पे डिपेंड है। वैसे आज मेरा तो पता नहीं, इसने फोन किया 10 बार, फोन करता है, एक बार मानता है। इसने इससे पहले भी किया था, लेकिन आप बिजी होते हैं, ये भी बिजी होता है, मैं भी बिजी होता हूँ। आज पता नहीं कैसे टाइम निकला तो हम दोनों निकल पड़े गाड़ी में। हम निकल रहे हैं, लेकिन अब बारिश हो गई हल्की, लेकिन अब हम निकल रहे हैं। देखो 5 डिग्री इस टाइम टेम्परेचर है, सर्दी भी बढ़ गई। हम अब निकलते हैं, टाइम भी बहुत हो गया।